नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। फिगर ऑफ स्पीच में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपिस्ट्रॉफी को। एपिस्ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर ऑफ स्पीच है, हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के सेशन में जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में एपिस्ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेन एंड मार्टिन में एपिस्ट्रॉफी से रिलेटेड जितने भी लाइन्स दिए गए हैं वो भी मैं आपको याद कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, बिना देरी के शुरू करते हैं। एपोस्ट्रॉफी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, सिर्फ इसके डेफिनेशन को आपको ध्यान से समझना है। एपोस्ट्रॉफी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है किसी डेड को। कोई व्यक्ति की डेथ हो गई रहती है, पोएट उसको एड्रेस करके बोलेगा। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को एड्रेस करके बोला है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। इसके बाद एपोस्ट्रॉफी में किसी अब्सेंट को एड्रेस करके बोला जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्पीकर होता है जिसके बारे में बोल रहा होता है वो उसके सामने प्रेजेंट नहीं होता है। विलियम शेक्सपियर की प्ले है रोमियो एंड जूलियट। जूलियट एक लाइन बोलती है, ओ रोमियो वेयर आर यू रोमियो, ठीक है। यहाँ पे वो रोमियो को एड्रेस करके बोल रही है कि रोमियो तुम कहाँ हो। और जिस समय जूलियट ये लाइन बोलती है उस समय रोमियो जूलियट के पास नहीं होता है। ऐसे ही एक विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, उसमें वो बोलते हैं ओ फ्रेंड, ठीक है। ये एसटी कॉलरिज के लिए बोल रहे हैं और एसटी कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ के सामने होते नहीं है। उनको एड्रेस करके विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट। तो देखो यहाँ पे भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि इन दोनों लाइन्स में किसी एब्सेंट को एड्रेस करके बोला गया है। इसके बाद एपोस्ट्रॉफी में क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट आइडिया कॉन्सेप्ट या फिर जो है नोशन को पर्सनिफाइड किया जाएगा। पर्सनिफाइड का मतलब आप समझ लीजिए, इसमें क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट आइडिया कॉन्सेप्ट नोशन को एज ए ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसको एड्रेस करके बोला जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। एपोस्ट्रॉफी में क्या होगा, किसी डेड को एड्रेस किया जाएगा या फिर किसी एब्सेंट को एड्रेस किया जाएगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट आइडिया कॉन्सेप्ट नोशन होगा उसको पर्सनिफाइड किया जाएगा, यानी उसको एज ए ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हुए एड्रेस किया जाएगा। एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पहला एग्जाम्पल है, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन इन दाई फेस। टीजीटी 2003 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सॉलिट्यूड ये एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, इसको पर्सनिफाइड किया गया है। यानी जब भी मैं बोलूंगा पर्सनिफाइड तो आप समझना कि इसको एज ए ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है और इसको एड्रेस भी किया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि एपोस्ट्रॉफी में आपको मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में जिसको एड्रेस किया जाएगा उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी मिलता है। तो ये आपको एक तरह से क्लू का काम करेगा एपोस्ट्रॉफी को आइडेंटिफाई करने के लिए। सॉलिट्यूड को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि सॉलिट्यूड तुम्हारा चार्म कहाँ है जो कभी ऋषि मुनियों ने तुम्हें देखा था। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओ जजमेंट थाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटस ब्रिस्ट। इस लाइन को एंटोनी बोलता है जूलियस सीजर में। जूलियस सीजर की हत्या होने के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा दुख होता है तो एंटोनी को होता है। इस लाइन में देखो वो जजमेंट को एड्रेस कर रहा है। जजमेंट क्या है, ये एक एबस्ट्रिक नोशन है, इसको पर्सनिफाइड किया गया है, एज ए ह्यूमन की तरह इसको यहाँ पे यूज किया गया है और इसको एड्रेस भी किया गया है। आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एपोस्ट्रॉफी है। और देखो इस लाइन में एंटोनी जजमेंट को कंडेम कर रहा है और ये कह रहा है कि तुमने किसका साथ दिया, ब्रूटस ब्रिस्ट का साथ दिया, यानी कॉन्स्पिरेटर का साथ दिया। नेक्स्ट लाइन है, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। दोनों लाइन को बहुत आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो डेथ को एड्रेस किया जा रहा है, डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है और इसको पर्सनिफाइड किया गया है। ऐसे यहाँ पे भी देखो ग्रेव को पर्सनिफाइड किया गया है और डेथ से पूछा जा रहा है कि तुम्हारा स्टिंग यानी तुम्हारा डंक कहाँ है और ग्रेव से पूछा जा रहा है तुम्हारी विक्ट्री कहाँ है। नेक्स्ट है, ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कम्फर्ट। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की वन ऑफ द सोनेट से लाइन ली गई है और इस सोनेट को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लंदन में 1802 में लिखा था। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस गए थे और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट भी किए थे। वो टाइम एक्चुअली उनके लिए बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट का टाइम था, बहुत ही अपसेट थे। जब वो इंग्लैंड में आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस होते हैं और इस सोनेट में देखो इन्होंने अपने फ्रेंड कॉलरिज को एड्रेस करके बोल रहे हैं कि ओ फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ पे कॉलरिज उनके सामने होते नहीं है, यानी एब्सेंट को ये एड्रेस करके बोला जा रहा है। इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा।
विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलरिज को एड्रेस करके बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता है कि मुझे कंफर्ट को किस तरह से तलाशना चाहिए, यानी मुझे किस तरह से कंफर्ट मिलेगा ये मुझे नहीं पता है। नेक्स्ट लाइन में देखो, ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन थाई नेम, और ये लाइन मैरी जेन रोलैंड के द्वारा बोला गया है और जो कि एक फ्रेंच पोएट्रेस होती है, ठीक है। और लिबर्टी को यहाँ पे देखो एड्रेस करके बोला जा रहा है। लिबर्टी क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, इसको पर्सनिफाइड किया गया है, एड्रेस भी किया गया है, आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एपोस्ट्रॉफी है। और इस लाइन में कहा गया है कि देखो लिबर्टी तुम्हारे नाम पर कितना क्राइम किया गया है। नेक्स्ट लाइन है, ओ कैप्टन माई कैप्टन और फियरफुल ट्रिप इज डन। इसी पोएम में एक और लाइन आती है, एक्सल्ट ओ सोर्स एंड अ रिंग ऑफ बेल्स। ये दोनों लाइन ओ कैप्टन माई कैप्टन से लिया गया है और इस पोएम को लिखने वाले हैं अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन अब्राहम लिंकन के बहुत बड़े फैन होते हैं, खास करके अब्राहम लिंकन की जो लड़ाई थी स्लेवरी के लिए उसमें वॉल्ट व्हिटमैन पार्टिसिपेट भी करते हैं, और जब उनकी हत्या हो जाती है तो उनकी हत्या के बाद इस पोएम को लिखा गया है। और यहाँ पे देखो ओ कैप्टन किसके लिए बोला गया है, अब्राहम लिंकन के लिए बोला गया है, और जिस समय ये पोएम लिखा जा रहा था उस समय अब्राहम लिंकन की डेथ हो गई थी, यानी यहाँ पे डेड को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी। इसी पोएम में एक और लाइन आती है, एक्सल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। ओसोर यानी यहाँ पे उन लोगों को एड्रेस किया जा रहा है जो किनारों पर खड़े थे, पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन द बैंक, उनको एड्रेस करके वॉल्ट व्हिटमैन बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुश हो जाओ। एक्सल्ट का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी होना, और चर्च के बेल बजाओ। तो ध्यान रखना दोनों लाइन जो है एपोस्ट्रॉफी के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर दाउ रोमियो। ये लाइन जूलियट के द्वारा बोला जाता है, और जूलियट रोमियो के लिए तब बोलती है जब रोमियो उसके सामने नहीं होता है, और इस लाइन के थ्रू जूलियट अपना एक तरह से लॉगिंग और डिस्पेयर एक्सप्रेस कर रही होती है। और रोमियो एंड जूलियट कब लिखा जाता है, देखो हम लोगों ने एक कोड याद किया था, मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट टी जैक, और मिस्टर से हम लोगों ने याद किया था मीट समर नाइट ड्रीम और रोमियो जूलियट। ये दोनों लिखा जाता है 1595 में, और रोमियो एंड जूलियट ये एक ट्रेजेडी है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट लाइन है, ओ मिस शिप दाउ आर स्विफ्ट टू एंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्परेट मैन। ये लाइन रोमियो जूलियट से ली गई है, और ये लाइन रोमियो के द्वारा बोला जाता है एक्ट 5 सीन 1 में। मिस शिप का मतलब होता है शरारत, ठीक है, तो यहाँ पे शरारत को एड्रेस करके बोला जा रहा है, तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एपोस्ट्रॉफी है। और इस लाइन में रोमियो को जब न्यूज पता चलता है कि जूलियट की डेथ हो चुकी है, हालांकि ये न्यूज सही नहीं होती है, रोमियो के माइंड में सबसे पहले किस बात का थॉट आता है, खुद के सुसाइड करने का। फिर वो कहता है कि मैं एनी हाउ पॉइजन को अरेंज करूंगा और मैं भी अपनी सुसाइड कर लूंगा। और फिर वो ये लाइन बोलता है कि मिसिफ तुम कितने स्विफ्ट हो। जो आदमी डेस्परेट होता है, डेस्परेट का मतलब कोई आदमी जब दुखी हो, अपसेट हो और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो ऐसे व्यक्ति को डेस्परेट मैन कहा जाता है। रोमियो मिसिफ यानी बैड आइडिया को एड्रेस करके बोल रहा है कि तुम डेस्परेट मैन के विचारों में कितनी तेजी से एंटर करते हो। नेक्स्ट लाइन है, ओ अर्थ व्हाट चेंजेस हैज़ थाउ सीन। ये लाइन अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के इन मेमोरियम से ली गई है, और अर्थ को देखो यहाँ पे एड्रेस करके बोला जा रहा है कि तुमने कितने सारे चेंजेस देखे हैं, तुमने बहुत सारे सिविलाइजेशन को बनते और बिगड़ते हुए देखा होगा। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है, इन मेमोरियम से लिया गया है, और इन मेमोरियम को कब पब्लिश किया जाता है ये भी आपको याद रखना है, 1850 में, और इसमें कुल मिलाकर 133 कैंटोज होते हैं, और इन मेमोरियम एक पर्सनल एलजी है, और इसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन अपने बेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हॉलम के डेथ पर लिखा है। नेक्स्ट लाइन है, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, देखो विंड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको पर्सनिफाई किया गया है और इसको एड्रेस करके बोला जा रहा है, और ये ओ टू वेस्ट विंड की लास्ट लाइन होती है, और इस पोएम की जो पूरा सार है इसी लाइन में समाया हुआ है। और इस लाइन में पीवी शैली की ऑप्टिमिस्टिक व्यूज या ऑप्टिमिस्टिक विचार को भी देखने को मिलता है। पीवी शैली इस लाइन के थ्रू बहुत ही क्लियर और लाउड मैसेज देते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें उम्मीद को, होप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके साथ वो ये कहते हैं कि हमें डर में नहीं जीना चाहिए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए तो भी हमें ऑप्टिमिस्टिक बन के रहना है। ओड टू द वेस्ट विंड, ये ध्यान रखना, ये लिखी जाती है 1819 में और इसको पब्लिश किया जाता है 1820 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओ वेस्ट विंड, देखो ये भी यहाँ पे वेस्ट विंड को एड्रेस करके बोला गया है,
तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट है देखो फेम को यहाँ पे एड्रेस करके बोला जा रहा है, ओ फेम इफ आई वर टू डिलाइट इन थाई प्रेजेस। ये लाइन लॉर्ड बैरन की पोयम स्टेंजा रिटन ऑन द रोड बिटवीन फ्लोरेंस एंड पीसा से लिया गया है और इसको भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस लाइन में फेम को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि काश तुम्हारी प्रशंसा करके मुझे खुशी मिली होती। इस लाइन के थ्रू बैरन यही कहना चाहते हैं जो यंग जनरेशन के लोग हैं यानी यंग पीपल जो हैं उनको अप्रिसिएशन पसंद नहीं है लेकिन उनको पॉपुलर होना ज्यादा पसंद है ताकि वो अपने बिलव्ड के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव कर सके और उनका फेवर गेन कर सके। नेक्स्ट लाइन है ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ये पीवी शैली की पोयम अलाइनमेंट से ली गई है और ये तो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो वर्ल्ड वो लाइफ और टाइम को एड्रेस करके बोला जा रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा एपोस्ट्रॉफी। और इस लाइन के थ्रू पीवी शैली जो है अपने पेसिमिज्म को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो इस संसार में जीना नहीं चाहते हैं, उनको ये संसार उतना ज्यादा आकर्षित नहीं लग रहा है जितना पहले लगता था। नेक्स्ट लाइन है फ्रायल्टी थाय नेम इज वूमेन, यहाँ पे देखो फ्रायल्टी यानी वीकनेस को एड्रेस करके बोला जा रहा है। वीकनेस यानी एक एबस्ट्रैक्ट नाउन है जिसको पर्सनिफाइड करके बोला जा रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी। और इस लाइन के थ्रू हैमलेट ये कहना चाहता है कि जन्म से जो वुमेन होती है वो आदमी से कमजोर होती है, पीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट लाइन है माइटी सीजर डू यू लाइव सो लो, देखो इस समय सीजर की जब डेथ हो चुकी होती है तब ये लाइन एंटोनी के द्वारा बोला जाता है यानी यहाँ पे डेड को एड्रेस किया जा रहा है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी है। और यहाँ पे एंटोनी ये कहना चाह रहा है कि जो सीजर इतना पावरफुल था आज वो मर चुका है यानी उसकी डेथ हो चुकी है। इस लाइन के थ्रू वो ये भी कहना चाहता है कि जो यूनिवर्सल लॉ है कोई कितना भी पावरफुल हो कोई कितना भी नोबल व्यक्ति हो लेकिन उसकी डेथ अनिवार्य। नेक्स्ट लाइन है लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर बट नो दैट दाउ एंड आई मस्ट पार्ट, ये लाइन लाइफ से ली गई है और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं एना लेटिसिया बारबोल्ड हैं, ठीक है। और लाइफ को यहाँ पे एड्रेस करके बोला जा रहा है, लाइफ जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है पर्सनिफाइड किया गया है और इसको एड्रेस करके बोला जा रहा है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो लेकिन एक बात तो मुझे जरूर पता है कि तुम यानी लाइफ और आई एक दिन जरूर अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन है डेथ कम सून, यहाँ पे देखो डेथ को एड्रेस करके बोला जा रहा है एपोस्ट्रॉफी होगा। लिबर्टी को देखो एड्रेस करके बोला जा रहा है, लिबर्टी क्या है स्वतंत्रता एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको पर्सनिफाइड किया गया है और उससे पूछा जा रहा है कि तुम कितने प्यारे हो, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी होगा। मिल्टन के देखो एड्रेस करके बोला जा रहा है, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन इनकी डेथ हो चुकी है, डेड को एड्रेस किया जा रहा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा ये हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी। और मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है 1802 में लिखी जाती है और इसको 1807 में पब्लिश किया जाता है पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में। नेक्स्ट लाइन है रोल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू ओशन रोल, ये लाइन लॉर्ड बैरन के पोएम चाइल्ड हेरॉल्ड्स पिलग्रिम से लिया गया है और यहाँ पे डीप एंड डार्क ओशन ब्लू को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि तुम रोल ऑन यानी कंटिन्यू फ्लो होते रहो। और इस लाइन के थ्रू ये बताया गया है कि समुद्र की इस विशालता के सामने मनुष्य कितना तुच्छ और इनसिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट लाइन है वेव म्यूनिक ऑल दाय बैनर्स वेव एंड चार्ज विद ऑल दाय सिवलरी, ये लाइन टॉमस कैंपबेल की पोएम पोएन लिंडन से लिया गया है और यहाँ पे म्यूनिक को एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी। पूरी बात क्या होती है आप समझिए, देखिए ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है, और फ्रांस में एक राज्य है जिसका नाम है बवेरिया और बवेरिया की राजधानी क्या है म्यूनिक, तो यहाँ पे म्यूनिक यानी बवेरियन आर्मी को बोला जा रहा है कि तुम सभी अपने बैनर्स को वेव करो और आगे मार्च करो, तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे म्यूनिक को एड्रेस किया गया है यानी बवेरियन आर्मी को एड्रेस किया गया है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट लाइन है डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर नॉट सो, ये लाइन जॉर्डन के द्वारा पॉलीसोनेट नंबर 10 से लिया गया है। यहाँ पे डेथ को पर्सनिफाइड किया गया है, डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको पर्सनिफाइड करके इसको एड्रेस किया जा रहा है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा यह एपोस्ट्रॉफी है। डेथ को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड करने की जरूरत नहीं है, हालांकि कुछ लोग तुम्हें माइटी और ड्रेडफुल तो बोलते हैं लेकिन तुम उतने माइटी और ड्रेडफुल हो नहीं। जॉन डन कुल मिलाकर इनके 19 होली सोनेट्स आते हैं और इनके होली सोनेट को
डिवाइन मेडिटेशन या डिवाइन सोनेट भी कहते हैं और जॉन डन की सोनेट्स पेट्रार्कन मॉडल पे लिखे गए हैं। नेक्स्ट लाइन है प्लीज स्लीप माय कार्स एंड मेक हर सॉफ्ट लाइक दी। ये लाइन थॉमस कैंपियन के द्वारा लिखा गया है और यहाँ पे स्लीप को एड्रेस करके बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी होगा। इसमें एक लेडी होती है जो किसी लवर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, तो लवर क्या करता है स्लीप को पर्सनिफाइड करके बोलता है, यानी स्लीप को एज ए ह्यूमन की तरह यहाँ पे ट्रीट करता है और इससे रिक्वेस्ट करता है कि तू मेरे लिए एक फेवर करना, जब ये महिला रात को सोए तो इसके स्वप्न में तुम आना और मेरे प्रति जो इसकी नजरिया है या जो थॉट है उसको तुम चेंज कर देना। तो ध्यान रखना यहाँ पे स्लीप को पर्सनिफाइड किया गया है, इसलिए एपोस्ट्रॉफी होगा। नेक्स्ट लाइन है हेल स्माइलिंग मॉर्न, ये एक ग्ली होता है, ग्ली मतलब खुशी के मौके पर गाए जाने वाला गीत होता है और इसको रैगिनार्ड ने 1810 में लिखा है। हेल का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब ये घोषणा करना कि कोई चीज बहुत ही स्पेशल है और यहाँ पे मॉर्न यानी मॉर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे चूंकि एड्रेस किया गया है स्माइलिंग मॉर्न यानी स्माइलिंग मॉर्निंग को, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी। और ये जो हेल स्माइलिंग मॉर्न है इसको क्रिसमस कैरोल या ईस्टर कैरोल भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, ये लाइन एडमर्ड स्पेंसर के द्वारा बोला जाता है और ये इनकी वर्क होती है प्रोथेल्मियम। प्रोथेल्मियम यानी ऐसा कोई गीत जो शादी के मौके पर गाया जाए उसको बोला जाता है प्रोथेल्मियम, और इसमें इन्होंने स्वीट थेम्स को एड्रेस किया है। थेम्स यहाँ पे क्या है, दिस इज द नेम ऑफ रिवर, इसको यहाँ पे एड्रेस करके बोला जा रहा है कि तुम जो है रन सॉफ्टली और तब तक जब तक कि मैं अपने सॉन्ग को कंप्लीट नहीं कर लेता हूँ, तो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एपोस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट लाइन है स्वीट ऑबर्न लवलीस्ट विलेज ऑफ प्लेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर द लैबरिंग स्वेन, ये लाइन ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा बोला जाता है डेजर्टेड विलेज में, और यहाँ पे ऑबर्न यानी एक विलेज को एड्रेस करके बोला जा रहा है, ठीक है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी। और ओलिवर गोल्डस्मिथ अपने विलेज ऑबर्न को बहुत मिस कर रहे हैं, वो अपने विलेज को कर रहे हैं कि ये प्लेन का मेरा सबसे लवलीस्ट विलेज है और जहां पे लोग हेल्थी हैं, संतुष्ट हैं और हार्ड वर्किंग हैं। नेक्स्ट लाइन है इवन दिस लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स मोर आई ले एंड कुड विन दिस स्लीप बाय एनी स्टिल्थ, ये टीजीटी 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है। इस लाइन को विलियम वर्ड्सवर्थ की टू स्लीप से लिया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि लास्ट नाइट एंड टू नाइट्स मोर यानी कुल मिलाकर के 3 नाइट से ये सो नहीं सके हैं और आज भी इनको नींद नहीं आ रही है, स्लीप को पर्सनिफाइड करके बोल रहे हैं। एज ए ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ स्लीप को कह रहे हैं कि आज रात उनकी सोने में हेल्प करना, स्लीप कोई उनसे चुरा ना ले जाए, और स्लीप प्रॉपर ना होने की वजह से जो सुबह के सुंदर एहसास है वो उनको फील नहीं हो पाता है, स्लीप को वो कहते हैं कि ये फ्रेश थॉट और जॉयस हेल्थ की मदर होती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे चूंकि स्लीप को पर्सनिफाइड किया गया है इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट और लास्ट लाइन है ओ ब्रूटस एज यू नो वाज सीजर्स एंजल जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, ये लाइन एंटोनी के द्वारा बोला जाता है जूलियस सीजर में। यहाँ पे जज ओ यू गॉड को एड्रेस करके बोला जा रहा है कि ब्रूटस जो कि जूलियस सीजर का एंजल था, जूलियस सीजर ब्रूटस को सबसे ज्यादा प्यार करता था और जूलियस सीजर तो ये उम्मीद कर रहा था जब कॉन्स्पिरेटर उसकी हत्या कर रहे थे तो ब्रूटस उसकी हेल्प करेगा। ब्रूटस ने जूलियस सीजर की हेल्प तो नहीं किया लेकिन जूलियस सीजर की हत्या में वो भी शामिल था। जब ब्रूटस ने जूलियस सीजर को स्टैब किया तो वो सारे कॉन्स्पिरेटर में सबसे अनकाइंडेस्ट कट था। और जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर की एक रोमन प्लेस है और इसको कब लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 1599 में, और डब्ल्यू जी लॉन्ग ने जूलियस सीजर की जो डेट दिया है वो भी आपको याद रखना है, इन्होंने बताया है 1601 एंड 1602। तो देखो हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी के सारे एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ये सारे एग्जांपल्स आप तैयार रखेंगे, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।